वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास को सील कर दिया। दिल्ली के सीएम ऑफिस की ओर से आरोप लगाया गया कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। बीजेपी के इशारे पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जबरन सीएम आतिशी का सामान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से बाहर निकाला। चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार से चुनाव हार रहे हैं, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही है। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी के शिफ्ट होते ही बंगला सील हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर एलजी ने मुख्यमंत्री आतिशी को जबरन बाहर निकाल दिया, घर का सामान भी बाहर फेंक दिया और बीजेपी अब अपने किसी नेता को ये घर आवंटित कर मुख्यमंत्री के बंगले पर कब्जा करना चाहती। लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि केजरीवाल ने आतिशी को असंवैधानिक तरीके से बंगला सौंपा था, लिहाजा शीश महल सील कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल, जिसका सेंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे? और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे? मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था तो उन्होंने ये दो पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। सरकारी संपत्ति, जनता के पैसे से बना हुआ शीश महल, जिस पर अवैध कब्जा आम आदमी पार्टी ने किया था, उसको सील किया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को अवैध रूप से कब्जा करवाया, इसके पीछे की साजिश क्या है, पोजेशन सरेंडर क्यों नहीं किया पीडब्ल्यूडी को, जो ये नौबत आई ये क्यों आई। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, लिहाजा अब गैर कानूनी ढंग से मुख्यमंत्री के बंगले को हथियाना चाहती। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जारी सियासी रार के बीच एलजी ऑफिस का पक्ष भी सामने आ गया। एलजी ऑफिस सूत्रों के मुताबिक शीश महल 6 फ्लैग स्टाफ रोड सीएम आवास नहीं, इस घर का मालिक अन्य सभी मुख्यमंत्रियों के आवास की तरह पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी ही घर खाली होने पर उसका कब्जा लेता है, उसकी इन्वेंटरी बनाता है और फिर उसको विधिवत आवंटित करता है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर खाली करने का नाटक तो किया पर पीडब्ल्यूडी को घर का कब्जा नहीं दिया। क्या छुपा रहे थे? ये घर सीएम आतिशी को अब तक आवंटित नहीं है। उनका आवंटित आवास अभी भी 17AB मथुरा रोड। दो घर कैसे आवंटित हो गए? सीएम आतिशी ने बिना अलॉटमेंट के स्वयं अपना सामान उस घर में रखा और फिर खुद ही वहां से हटाया। आप चिंता ना करें, ये बंगला विधिवत इन्वेंटरी तैयार कर लेने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री को आवंटित कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास छोड़ने के बाद हाल ही में नई सीएम आतिशी 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित इसी सरकारी आवास में शिफ्ट हुई थी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ 9 साल से भी ज्यादा समय से इसी बंगले में रह रहे थे। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल के बंगला खाली करने के दस्तावेजी सबूत होने के बावजूद इस मुद्दे पर झूठ फैला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। निष्पक्ष मतलब।